तुम लोग अपने घरों में बिठा लो उसको, एक एक दिन रख लो उसको अपने अपने घरों में। तुमसे बड़ा गद्दार कौन होगा जो तुम एक स्पाई को यहाँ पे वो दे रहे हो? वो भैया यहाँ पे तो इतना बवाल मच गया कि उसको वहाँ पाकिस्तान नहीं भेजना है, पाकिस्तान में उसको मार दिया जाएगा। अरे तुम्हें क्या लेना देना वहाँ का कानून जो करे? सीमा हैदर के ठुमके देखने के लिए तुम लोग सीमा हैदर के ठुमके देखने के लिए उसके जब इनके घरों में ही जाके वो जब करेगी ना कांड करेगी, फिर पता चलेगा इनको कि जम्मू कश्मीर में बाप कहाँ से आ गया, जम्मू कश्मीर में इसका रास्ता कैसे हो गया। अपने असली आईडी से आए ना तो मैं समझूं कि हाँ हिंदुस्तान का हिंदुस्तान के मर्द हो तुम। एक औरत के आगे तुमने अपने आप को अपने घर की औरतों को दो यार इतनी समझो, माँ होगी, बहन होगी, बीवी होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज सीमा पर कर दिया गुलाम हैदर ने हमला, आ गई लप्पू सचिन की मम्मी सीमा भगोड़ी की लाइव वीडियो, और ये लाइव वीडियो मैं आपको अभी पूरे डिटेल्स के साथ दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है मेरे पास, और वो कौन सी खबर है मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। दोस्तों अब निकल जाएगी सीमा की चीखें, क्योंकि दोस्तों आज आपको मैं जो खबर बताने जा रहा हूँ वो आज की सबसे बड़ी खबर है, और ये खबर आपने अभी तक किसी भी यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बीच में ही छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि गुलाम हैदर अब इस लप्पू सचिन की मम्मी सीमा भगोड़ी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। जी दोस्तों, आज जो खबर गुलाम हैदर के बारे में निकल कर आई है कि इस लप्पू सचिन की मम्मी सीमा भगोड़ी को गुलाम हैदर से अब माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर अब इस सीमा भगोड़ी के साथ खेल खेल रहे हैं। मेरे दोस्तों आप तो ये बात बहुत अच्छे से जानते ही होगी कि सीमा भगोड़ी ने गुलाम हैदर पर कितने बड़े बड़े झूठ इल्ज़ाम लगाए हैं, मगर दोस्तों अब वक्त आ गया है इस सीमा भगोड़ी से बदला लेने का। जी दोस्तों, गुलाम हैदर ने इस सीमा भगोड़ी पर एक कानूनी हमला कर डाला है, जिसकी वजह से अब ये सीमा भगोड़ी कई बिल में जाकर छुप गई है, और ये बात आप सब अच्छे से जानते ही होगी। मेरे दोस्तों इस दो नंबर की औरत को डिपोर्ट होना होगा, और इस सीमा भगोड़ी को हमारे देश की कभी नागरिकता नहीं मिलेगी। जी दोस्तों, अब मैं आपको एक आंखें खोल देने वाला एक धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो देखना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। तुम्हारी तो असलियत ही गद्दारी है, तुम लोगों की तो काम करने की छवि, तुम लोगों में काम करने की छवि तो है ही नहीं, तुम लोग का काम निथल्ले हो। तुम्हारे तो सिर्फ मजे लेने के लिए आते हो, और तुम्हारे बस की तो कुछ काम करना है नहीं, तुम्हारे बस की कुछ किसी के लिए कुछ बोलना है नहीं। सीमा हैदर के ठुमके देखने हैं तुमने सीमा हैदर, तुमसे बड़ा गद्दार कौन होगा जो तुम एक स्पाई को यहाँ पे वो दे रहे हो? तुमसे बड़ा गद्दार तो मैंने आज तक कोई देखा ही नहीं है। तुम लोग तो सबसे बड़े गद्दार हो जो सीमा हैदर के ठुमके देखने के लिए तुम लोग सीमा हैदर के ठुमके देखने के लिए उसके उसमें चले जाते हो। जब इनके घरों में ही जाके वो जब करेगी ना कांड करेगी, फिर पता चलेगा इनको कि क्या है वो सीमा हैदर। देखिए हम तो इस चीज के कायल हैं, हम तो ओपनली कहते हैं, अगर भाई कुछ तो इसमें ऐसा है, कुछ तो इसका ऐसा है जो अभी एटीएस बता नहीं रही है, एटीएस की जांच हो चुकी है कि इसका जम्मू कश्मीर में बाप कहां से आ गया, जम्मू कश्मीर में इसका रास्ता कैसे हो गया, कुछ तो है। तो वो सोच के तुम लोग, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर सरिता कठैत उसके खिलाफ आवाज उठा रही है तो मैं गद्दार हो गई हूँ। तुम लोग अपने घरों में बिठा लो उसको, एक एक दिन रख लो उसको अपने अपने घरों में। उन लोगों को पता क्या है, उंगलियां चलानी होती है, आए अपने असली आईडी से आए ना तो मैं समझूं कि हाँ हिंदुस्तान के मर्द हो तुम। अगर अपनी असली आईडी से आए, जैसे हम मैं आती हूँ हर जगह, मैं अपनी असली आईडी से आती हूँ, मेरी इसके अलावा कोई और आईडी नहीं है, और ना ही मैं कहीं कोई कमेंट करती हूँ, क्योंकि मेरे नाम से मैं आपको बताती हूँ उस व्यक्ति ने वो भी किया है, एक्सेप्ट भी किया है कि मैं आपकी इंस्टाग्राम आईडी पे गया, वहां मैंने किसी को आपकी आईडी दी, मेरी आईडी से मेरी फोटो निकाल के और किसी और की लाइव में जाके कमेंट कर रहे हैं। अरे बेशर्मो, शर्म करो, एक औरत का नाम लेके तुम लोग इस तरह का वो कर रहे हो। एक सीमा हैदर के लिए जिसने कल को चले जाना है, रिपोर्ट हो जाना है, वो भैया यहाँ पे तो इतना बवाल मच गया कि उसको वहाँ पाकिस्तान नहीं भेजना है, पाकिस्तान में उसको मार दिया जाएगा। अरे तुम्हें क्या लेना देना वहाँ का कानून जो करे? तुम्हें उसको क्या यहाँ पे रखना है अपने घरों पे? यहाँ के कानून में जो लिखा है वो तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। और जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, तुम लोगों की आफत आने में लग रखी है, क्योंकि तुम लोगों के फिर तब उसके बाद तुम लोगों के फॉलोवर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तुम उसकी तारीफ कर रहे हो, तुम्हारे फॉलोवर बढ़ रहे हैं, क्योंकि तुम जाके ना उसकी चापलूसी करते हो, उसके घर जाते हो, उसके पैरों में पड़ते हो, वो तुम्हारे फॉलोवर्स बढ़ाती है, और जैसे ही देखा उसने फॉलोवर्स बढ़ गए वैसे ही वो रिपोर्ट कर देती है आईडी पे।
जैसे देखा उसने कि व्यूज ज्यादा आने लग गए वो डिलीट करवा देती है, और तुम लोग इतने वैसे हो ना समझ हो तुम लोग डिलीट भी कर देते हो। तो क्या ही बोलूं मैं तुम लोगों को, एक औरत के आगे तुमने अपने आप को अपने घर की औरतों को दो यार नहीं समझू। आपके घर में भी औरतें हैं, माँ होगी, बहन होगी, बीवी होगी, हर कोई होगा, बहन होगी, बेटी होगी, उनको तवज्जो दो ना। इस दो कौड़ी की औरत को तुम तवज्जो दे रहे हो, उस बाप को पूछो ना जिस बाप के बच्चे 8 महीने 9 महीने से उसको बाप नहीं बोल पाए, उसके साथ बात नहीं कर पाए, उससे पूछो उसके दिल पे क्या बीत रही है। आप लोग अपने बच्चों को जरा 4 दिन कहीं छोड़ दीजिए, फिर पता चलेगा आप लोगों को एक बाप का दिल क्या वो होता है। हमारे मुल्क की जो बातें ना हमें पता है, ये लोग कभी सीधे नहीं होते हैं, ये लोग पता क्या है जिधर पानी जाता है ना उधर रास्ता बना लेते हैं, ये नहीं है कि अपने उससे जाए। इन लोगों को जहाँ से पानी बहता है ना, अरे ये पानी जा रहा है तो शायद रास्ता तो गुजर, ये लोग कुछ लोग, सब लोगों को नहीं बोलूंगी, कुछ लोग जो अंधभक्त हो गए हैं इसके सीमा हैदर की, जो अंधभक्त हो गए हैं, तो उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कल को इसने चले जाना है, हमने तो हिंदुस्तान में ही रहना है। और मैंने एक एक का नाम दे रखा है कि एक एक स्क्रीन शॉट ले रखी है, जब उनके घर पे पुलिस जाएगी ना तब देखते हैं कि सरिता कथा है। तो हम 5 जो महिलाएं हम गद्दार हैं या तुम लोग गद्दार हो जो तुम लोग सीमा हैदर को यहाँ पे वो कर रहे हो, लेकिन एक भाई को ये चीजें शोभा नहीं देती है कि वो किसी अपनी बहन को इस तरह से वो करे, और उस बहन को कि जो अपने देश के लिए निछावर है। तुम क्या हो यार, तुमने क्या किया, तुम गिनवाओ अपने काम, मैं भी गिनवाती हूँ, तुम भी गिनवाओ अपने काम, तुमने किया क्या है। मेहमान जुड़े हैं ये ना 8-9 महीने से, ये तो पूरी दुनिया में चल गया है, ये एक रघुपुरा की बात नहीं है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में चल गया है कि वाकई में ये औरत भगोड़ी है। तो सभी बोलते हैं, सभी इसी नाम से बोलते हैं उसको, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप यार। हमारी मर्जी है, हमें अपनी बात रखनी है, और हम अपनी बात नहीं रखेंगे चाहे हम हिंदुस्तान के चैनल पे जाएं चाहे पाकिस्तान के चैनल पे जाएं, हमें तो अपनी बात रखनी है ना, हमें अपनी बात रखनी है, हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है। तो इसमें ये क्यों, हाँ जो लोग शुरू शुरू में आए थे उन लोगों ने इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश की उर्दू में लिखने की, कि मैं उर्दू भी जानती जानता जम सम व्हाटएवर जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, उन लोगों ने तो इतना इम्प्रेस किया था, हमने तो ऐसे इम्प्रेस किया ही नहीं किसी को, हम तो शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, जिसको लेना है तो वो हमें इंस्टाग्राम पे, भाई इंस्टाग्राम से ही मिले मुझे, इंस्टाग्राम पे भाई ने मुझे कि सिस्टर आपका इंटरव्यू लेना है, मैंने कहा क्यों नहीं काका भाई, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और अभी पता नहीं कितने मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस पड़े हुए हैं। तो ये थोड़ी नहीं है कि भाई हम जो अपने वो हैं वो खो देंगे, कि हम आप लोगों को इम्प्रेस करेंगे, हमें उर्दू आती है भाई, हम तो उर्दू में लिखेंगे ट्रांसलेट करके जबरदस्ती गूगल से, नहीं भी आए तो हम वो केचुआ नहीं है जो उसके सांप की जो वो करे, हम फोड़ करे, इतनी लंबी बनने की कोशिश करे, हम जितने हैं उतने में हमें इनफ है, और इतने में ही लोगों की जल रही है, इतने में ही लोगों की आफत आ रही है। अब तो मैं ये देखती हूँ, मैं जब अभी मेरे को थोड़ा सूर्य भाई जी से कुछ बात करनी है तो मैं उनको पर्सनल पे बात करूंगी, तो सूर्य भाई को भी इतना जलील करवा दिया इन लोगों ने। सूर्य भाई अपना काम इतना अच्छा कर रहे थे, इतना अच्छा कर रहे थे, सच में ही मेरे को प्राउड होता है सूर्य भाई को देख के, उन्होंने अपनी आवाज कहां तक रेंज की थी अकेले, और आज किसी व्यक्ति के संपर्क में आके सूर्य भाई देखो कितना वो डल हो गए हैं, उनको किसी व्यक्ति ने इतना डल करवा दिया ना कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। ये आप लोग भी जानते हैं, जब हम किसी दरी हमारी दरी में पानी गिर जाता है या हमारे किसी मैट में पानी गिर जाता है ना, तो हम उसको 2-3 बार उसको पलट पलट के सुखाते हैं, इस तरह हम देख चुके हैं। और मैं शायद आप अभी मैं नहीं बोलूंगी, मैं मुस्तकिन भाई को मैं भेज चुकी हूँ, मुस्तकिन भाई देख के हंस रहे थे। तो अगर व्यक्ति को इस तरह लाइव आना है तो उस लाइव को डिलीट क्यों करना है, आप आइए खुल के आइए लोगों के सामने, आपकी असलियत जो है वो खुल के दिखाइए ना लोगों के सामने, क्यों आप लोगों को इस तरह से वो करते हो। देखिए मैं एक छोटी सी बात बोलूंगी, मैं किसी को ना गलत बोलती हूँ, और मैं महिलाओं को तो वैसे भी नहीं गलत बोलती हूँ, पुरुषों के साथ में मेरी मुठभेड़ थोड़ी सी हो भी जाती है क्योंकि मैं पुरुषों को समझाने के लिए बोलती हूँ और वैसे बोलती हूँ तो, और महिलाओं को तो मैं वैसे भी नहीं बोलती हूँ, महिलाओं के साथ में 1-to-1 में बात कर लूंगी, लेकिन मैं किसी के पैनल पे जाके किसी की बुराई करूँ वो करूँ वो बहुत रियल होगा, जब हद से ज्यादा हो जाएगा तब जाके। तो बहुत सारी मतलब ऐसी महिलाएं हैं हमारी जो इस काम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, लेकिन उन औरतों को भी दबाया जा रहा है, जब वो औरतें अपनी आवाज रेंज करती हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है, जब वो इस उस पे वो करते सीमा हैदर को लेके कुछ बोलती हैं तो उनको बोल दिया जाता है कि नहीं नहीं सीमा हैदर को गाली मत दो। यार क्यों नहीं दो उसको गाली, उसने दोनों मुल्कों के छाती में मूंग तल रखा है और उसने हमारे यहाँ पे आके इतना गदर मचा रखा है, और फिर भी आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आया। जब आप लोगों को पता है कि उसने डिपोर्ट होना ही होना है, वो हमारे कानून से बड़ी नहीं है वो। मैं मतलब सोचती रहती हूँ भाई, मैं सोचती रहती हूँ ना कि जैसे लप्पू को अभी तो उसको खुद बाथरूम जाना आता नहीं है, वो बच्चों को वॉशरूम ले जाता है, जो इतनी बड़ी बड़ी बेटियां हैं इतनी वो हैं उसको खुद तो वॉशरूम जाना आता नहीं है, वो खुद अकेला वॉशरूम नहीं जा सकता है, तो क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि नेपाल तक अकेला गया होगा। आज मेरे दिमाग में ये मेरे दिमाग में आया कि ये मेरे को बोलना चाहिए, क्या आप लोगों को लगता है कि वो अकेला गया होगा वहाँ, क्योंकि लप्पू जिस गाड़ी से लप्पू गया है सिर्फ उस गाड़ी का ही पता है, जिसमें कोई पर्सनल बंदा गया होगा ना उसका कहीं कोई वो नहीं है, जिक्र नहीं है। जब लप्पू के पास फोन नहीं था ढंग का, तो जब लप्पू के लिए भी उसने वहाँ से 50,000 रुपए भेजे थे, और 50,000 कैसे भेजे थे, पहले उसने वो दुबई भेजे, दुबई से लप्पू के अकाउंट में आए, और जब लप्पू और लप्पू का बाप पैसे निकालने गए ना तो लप्पू के बाप के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई थी कि 50,000 रुपए इसके अकाउंट में किसने डाल दिए,
कब जाके उसने स्मार्टफोन दिया था लप्पू ने, पता है आपको? दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके समझ में आ चुका होगा और आपने इस वीडियो में देखा होगा कि सीमा भगोड़ी बहुत जल्द डिपोर्ट होगी पाकिस्तान को, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर अब इसको कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि इसने गुलाम हैदर के बच्चों की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा होगा कि ये भगोड़ी कितनी नापाक औरत है और कितनी गंदी औरत है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।